हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गोल्ड नेकलेस कलेक्शन जिनका वेट है 2 तोला। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 तोला यानी कि 20 ग्राम। तो जितने भी डिज़ाइंस अभी आप देखेंगे सभी 2 तोले के अंडर आपके बन जाएंगे और बहुत ही प्यारे कलेक्शन है, बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन पसंद आता है तो अपने लिए ज़रूर बनवाएगा, साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनमें से सबसे प्यारा डिज़ाइन कौन सा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनवाने का तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको अच्छा खासा कलेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा जिसकी लाइट वेट हैवी वेट ज्वेलरी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। नेकलेस ले लो, मंगलसूत्र ले लो, रिंग्स एयरिंग्स सब भी कलेक्शन आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे वीडियोज़ में, एंड मे बी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और लेटेस्ट कलेक्शन लेके आऊँ और प्यारे प्यारे कलेक्शन लेके आऊँ। और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना फ्लावर के शेप में, बहुत ही आजकल चल भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारे डिज़ाइंस जो अभी आप देख रहे हैं पार्टी वेयर हैं, शादी हो फंक्शन हो, आप इजीली इनको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है एंड सभी के साथ ईजिली चल भी जाते हैं इस तरह के जो नेकलेस होते हैं। ये देखिए है ना कितने प्यारे डिज़ाइंस। फ्रेंड्स, मुझे तो सारे डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, आपको कौन सा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो अपने लिए ज़रूर बनवाएगा क्योंकि गोल्ड प्राइस भी काफ़ी लो है, तो अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ये देखिए फ्लावर के शेप में है ना कितने प्यारे डिज़ाइंस। तो जितने भी डिज़ाइन अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही लेटेस्ट हैं, और यकीन माने जब भी आप इस तरीके के नेकलेस पहनते हो वेयर करते हो बहुत ही प्यारा लुक आता है और सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। ये देखिए हार्ट के शेप में, और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रेड में काम हो रखा है, ये देखा धागा का काम हो रखा है जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, और बाकी ये गोल्ड का वर्क है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।